हाँ एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म 50J क्या होता है, किस कंडीशन में फॉर्म 50J यहाँ पे भरना होता है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या आपको यहाँ पे फॉर्म 50J भर करके जमा करना होगा या नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करता है, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म 50J कब भरा जाता है, किस कंडीशन में भरा जाता है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जो आप सब जानते हैं कि पीएफ का पैसा आप तीन तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना होता है, उसके लिए यहाँ पे फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपना पीएफ के कुछ पैसा निकासी करने के लिए एडवांस फॉर्म 31 अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पे दोस्तों कोई फॉर्म 50J आपको अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर आप अपना पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे आपको फॉर्म 50J अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वही अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए अगर आप ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्म 50J यहाँ पे भरकर आपको अप्लाई करना होता है, अपलोड करना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी कंडीशन रखा गया है, कुछ लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप यहां पे मान के चले, अगर आप फॉर्म 50J यहां पे भरकर अपलोड नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपका पीएफ का अमाउंट होता है, उस पर आपका इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रत्येक वर्ष आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी फिक्स होता है उसके हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। अगर वही इंटरेस्ट अगर आपका ज्यादा हो जाता है, वही अगर आपका पीएफ अमाउंट ज्यादा हो जाता है जो आपका टीडीएस के दायरे में आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बचने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म 50J आपको अपलोड करना होता है और यहाँ पे पैन कार्ड आपको पीएफ अकाउंट में लिंक करना होता है, ठीक है। सिंपल से समझ लीजिए, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं और यहाँ पे फॉर्म 50J अपलोड नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका टीडीएस कट जाएगा। जब टीडीएस कट जाएगा, तब आपका जो अमाउंट होता है पीएफ का, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, वो कम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका लिए तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है। पहला कंडीशन की यहाँ पे बात करता हूँ कि टीडीएस कब कटता है, अगर आप यहाँ पे फॉर्म 50J अपलोड नहीं करेंगे तो कब कटता है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा हो और आपका जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल से कम हो, तो इस कंडीशन में अगर आप फॉर्म 50J अपलोड करके यहाँ पर जमा नहीं कीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। टीडीएस ना कटे उसके लिए उसमें यहाँ पे आपको फॉर्म 50J आपको भर करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे फॉर्म 50J आपको भर करके यहाँ पे अपलोड करना ही होगा और साथ ही साथ आपको पैन कार्ड अपने पीएफ अकाउंट में लिंक करना ही होगा, ठीक है। दोनों काम कर लीजिएगा तब उसमें यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर दोनों काम नहीं करते हैं तो उसमें यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा, जो आपका अमाउंट होगा वो कम आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की यहाँ पे बात करता हूँ, किन किन लोगों का यहाँ पे फॉर्म 50J अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो समझ लीजिए पहला नंबर में, ठीक है। जैसे कि अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा हो, ठीक है। अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा हो और कम भी होगा तो भी यहाँ पे सेम ही बात है। मान के चलिए, अगर सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है और जो भी आपका अमाउंट हो 50,000 से ज्यादा हो या तक कम हो, कम में यहाँ पे 30,000, 10,000, 5,000 हो, ज्यादा में यहाँ पे 60 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे फॉर्म 50J आपको भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन की मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, जो आपका विड्रॉल अमाउंट है 50,000 से कम होगा, जैसे 10,000 हो, 5,000 हो, 39,000 हो, 49,000 हो, इस कंडीशन में भी दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म 50J आपको भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो कंडीशन मैंने आपको बताया हूँ जहां पर आपको फॉर्म 50J भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही कंडीशन था जहां पर आपको फॉर्म 50J भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत था और साथ ही साथ आपको पैन कार्ड भी लिंक करना काफी ज्यादा मैंडेटरी था, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया हूँ, अगर आपके लिए इस प्रकार से सुटेबल हो रहा है, मैंने तीनों कंडीशन बताया हूँ, तीनों कंडीशन में जो भी आपके पास कंडीशन सुटेबल हो रहा है उस कंडीशन के अनुसार अगर आपको यहाँ पे भर कर जमा करने की जरूरत है तो जरूर भर कर यहाँ पे जमा कीजिए। अगर जमा नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका से, सबसे सटीक तरीका से मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी प्रकार से डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो बेहिचक आप कॉमेंट कीजिए या तो फिर इंस्टाग्राम से आप हमें पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। समझ गए होंगे,
तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश किया हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, सिर्फ वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।